वाज अ फेलियर, वो फेल हो गया था। तो वो फेल होने के बाद में वो अकेला हो गया, उदास हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो एक चित्रकूट में, वहाँ पर उत्तराखंड में आप देखेंगे पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो एक पहाड़ी पे झरने के पास आकर के टहलने लगा, आगे पीछे से टहल रहा था, कुछ तो विचार कर रहा था। उसके मन में क्या विचार आ रहा था वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन वहाँ से एक साधु जी जा रहे थे, जो शायद शंकराचार्य थे, जो वहाँ पर उनकी कुटिया थी, वहाँ पर रहते थे। तो शंकराचार्य जी के मन में कुछ डाउट आया कि ये आदमी इधर टहल रहा है, ज़रूर कुछ ये तकलीफ में होगा या इसको कुछ प्रॉब्लम होगा। तो वो उसको बुलाते हैं और पूछते हैं, भाई क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, नहीं कुछ नहीं। नहीं बोला, तुम कुछ तकलीफ में लग रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आत्महत्या करने आया हूँ और मैं अपना जीवन ख़त्म करना चाहता हूँ। तो बोला, क्या हो गया, ऐसा क्या बात हो गई? तो बोला, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था पायलट का और मैं उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। तो एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद में अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं घर जा कर के क्या मुँह दिखाऊँगा? तो उन्होंने बोला, ऐसा नहीं होता है, अगर तुम एक एग्ज़ाम में ख़त्म हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, शायद आपके लिए भगवान ने कुछ और सोचा होगा। तो आप वो हिसाब से आप उसकी तैयारी करो और शायद आपको पायलट नहीं बनना होगा, कुछ और बनना होगा, इसके लिए आप उसकी तैयारी करो और कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होना है और न ही आत्महत्या करनी है। तो उसको शंकराचार्य जी समझाते हैं, अब्दुल कलाम के दिमाग में एक बात आ जाती है, वो वापस नीचे आते हैं, घर आते हैं और धीरे धीरे वो जो भी सब्जेक्ट उनका था उस पर वो पढ़ाई करते हैं, तरक्की करते हैं। और आज आपको पता होगा कि अब्दुल कलाम एक मिसाइल मैन थे और हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, साइंस मैन रह चुके हैं। और आज उन्होंने जो तमिलनाडु में बनाया है, आज यहाँ से लोग जो अमेरिका है, चाइना है, वो अपनी ज़मीन मांगते हैं नासा में भेजने के लिए या चंद्रमा में भेजने के लिए। जो भी फ्लाइट वगैरह जाती है, जो भी रॉकेट जाते हैं, वो हमारे इंडिया से जाते हैं। तो उसको बनाने वाले कौन थे? अब्दुल कलाम जी थे। तो ज़िंदगी में संघर्ष करते रहना है, संघर्ष से कोई हिम्मत हारनी नहीं है और आपको हमेशा जीवन में तरक्की दिखाई देगी। अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं आएगी और आपको निराश नहीं होना है। सबसे पहले तो जिस तरह JPG अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन बन गए और उन्होंने उनको जो पद मिले, उसके बाद में उनको जो मेडल मिलते गए, आज उन्होंने अगर शंकराचार्य जी ने का नहीं सुना होता तो मेरे ख्याल से आज वो तरक्की नहीं कर पाते और आज हमारे देश का नाम रोशन नहीं होता। तो इसलिए हमेशा संघर्ष करते रहना है। और इसके अलावा मैं और काफ़ी कुछ है लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। अगली बार जो भी स्पीच होगी उसमें मैं आपको और भी किसी जीवन के बारे में बताऊँगा। जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं उन्होंने सबने संघर्ष किया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो दूसरे कलाकार हो, सभी संघर्ष से ही ऊपर उठे हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में शायद पता हो, वो खुद ही बोलते हैं कि मैं फुटपाथ पर रहता था, फुटपाथ पर सोता था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं समुद्र में डूब करके आत्महत्या करूँ। उन्होंने संघर्ष किया। आज आप पहचानते हैं सबसे ज़्यादा लीजेंड मैन कौन है, वो अमिताभ बच्चन है और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे लोग हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। आदमी के उसमें दिन और रात आते रहती है, उसके बारे में नहीं सोचना। अगर रात आती है तो उसका दिन भी आता है। तो आपको उस सुबह का इंतज़ार करना है जिसमें आप सक्सेस हो। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।